हेलो दोस्तों, एनपीजीएस जोन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हरेंद्र फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी की एक नई क्लास के साथ। और मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है वो है भारत का भूगोल। तो देखिए, भारत के भूगोल से जो बनने वाले प्रश्न है, ठीक है, नहीं तो इस पहले वीडियो में ये इसका भारत के भूगोल का पहले वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको सामान्य भारत की जानकारी दूंगा। इसके बाद धीरे धीरे अब जो वीडियो आना शुरू होंगी वो भारत के भूगोल से ही शुरू होंगी। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि विश्व के भूगोल से कोई और टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमको ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना, तो मैं आपको वो टॉपिक भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए भारत का भूगोल शुरुआत करते हैं। तो देखिए, शुरुआत बिल्कुल जीरो से करते हैं, शून्य से करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोब पर, ठीक है, नहीं भारत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम ग्लोब पर बात करें तो आप लोग जानते हैं अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट लिया जाता है, ऊपर वाला जो रहता है वो है आपका उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला है आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो पहला ही पॉइंट बन जाता है कि भारत किस गोलार्ध में है। तो देखो, भारत की स्थिति यहाँ पे है, ठीक है, नहीं भारत की स्थिति यहाँ पे है तो आप लोग देख पा रहे हैं भारत ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध के कौन सी दिशा है। भाई ये उत्तरी गोलार्ध में ये कौन सी दिशा हुई? तो उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्व में है। उत्तरी गोलार्ध में किधर है? तो उत्तरी गोलार्ध में आप लोग देखा है ये उत्तर पूर्व में है, इधर यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अगला देखो, अगर हम महाद्वीप से बात करें तो आप लोग जानते हैं कि ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। किस महाद्वीप में है भारत? तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। आप लोगों ने एशिया का नक्शा देखा होगा तो नीचे की तरफ निकला हुआ इतना इतना ये पार्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं कि ये पृथ्वी का कितने प्रतिशत पर है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत पर है, तो ये संपूर्ण पृथ्वी के 0.57% पर है। पृथ्वी के 0.57% भूमि पर है। पूरा पृथ्वी की बात कर रहा हूं, लड़के कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। और इसके बाद अगर बात करते हैं कि ये विश्व के या आप विश्व कहिए, मैंने कितनी बार बताया है आप लोगों को विश्व कहें या हम ये कह सकते हैं स्थल, स्थल के कितने परसेंट पर है? तो स्थल के 2.42% पर स्थित है। स्थल के 2.42% पर स्थित है। और देखिए, अगर हम देखें कि क्षेत्रफल के आधार पर, भाई ये क्षेत्र ही तो हुआ इसका, और हम देखें कि ये इस क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो क्षेत्रफल के आधार पर, ये क्षेत्रफल है इसका और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में सातवां स्थान है। कौन सा स्थान है? तो सातवां स्थान है। अगर हम इन स्थानों को क्रमबद्ध देखें, सभी के विषय, सभी स्थानों की अगर बात करें तो देखिएगा, क्रम से सबसे पहले जो है वो आएगा आपका रूस। सबसे पहले कौन सा है क्रम में? रूस सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला है। उसके बाद दूसरा है कनाडा, कनाडा दूसरा ज्यादा क्षेत्रफल वाला है। तीसरे की अगर बात करें तो चीन, चीन का स्थान इसके बाद है। और चौथे की अगर हम बात करें तो मित्रों, क्रम में चौथा है आपका अमेरिका, चौथा अमेरिका, चौथा है आपका यूएसए, अमेरिका, फिर है आपका क्रम में अमेरिका के बाद ब्राजील, ब्राजील है, उसके बाद फिर है क्रम में छठा ऑस्ट्रेलिया। छठा कौन सा है? तो छठा है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद मित्रों सातवां जो नंबर आता है, सातवां जो नंबर है वो है भारत का, सातवां नंबर भारत का है। और इसके बाद का भी कभी पूछ लेता है, पिछली बार रेलवे ने ये पूछा था कि भारत के बाद क्षेत्रफल में कौन है, तो याद रखो कि क्रम में जो आठवां नंबर है वो है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना आठवें नंबर पर है, अर्जेंटीना, ठीक है। अगर हम नौवें नंबर की बात करते हैं इस क्रम में तो कजाकिस्तान है और उसके बाद है अल्जीरिया। नौवें नंबर पर है आपका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का नंबर नौवां है। और दसवां नंबर है अल्जीरिया का, अल्जीरिया का नंबर है दसवां। तो मित्रों, ये आपके क्षेत्रफल में दुनिया के, या हम ये कहेंगे कि पृथ्वी के
10 बड़े देश हैं। आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी भारत से बाद वालों को भी पूछ लेता है, तो मैंने इनको क्रमबद्ध कर दिया है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें भारत की और हम देखते हैं कि भारत के विषय में कि भारत क्षेत्रफल में हो गया, जनसंख्या में क्या स्थिति रखता है, तो जनसंख्या में अगर बात करें तो यह जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है चीन के बाद। भारत की जो स्थिति है दूसरे नंबर पर है चीन के बाद। ठीक है ना, देखिए तो जनसंख्या में देखेंगे, अगर हम जनसंख्या में देखें तो इसकी जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 17.5% विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करते हैं। और मैं आपको विश्व की जनसंख्या बता चुका हूं, जिन लोगों को नहीं पता है वो पिछला वीडियो देख ले, पिछले वीडियो में मैंने सारी चीजों को कंफर्म किया है, महाद्वीप वाले वीडियो में बताया होगा। तो देखिए 17.5% चलिए मित्रों, तो हम बता रहे थे आपको जनसंख्या के विषय में और मैंने बताया था अभी कि जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व का कितना है, तो 17.5% जनसंख्या है भारत की विश्व का। और विश्व की जनसंख्या के लिए मैं बता चुका हूं, आप पीछे वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है नहीं, और जिन्होंने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए तो ये जनसंख्या है, और अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें कि विश्व के जो बड़े देश कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले जो आता है वो चीन आता है, सबसे पहले चीन दूसरे नंबर पे आता है, फिर भारत, और भारत के बाद जो तीसरा नंबर है क्रम में वो है आपका अमेरिका। अमेरिका जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम और देशों को देखें तो चौथे स्थान पर आपका आता है इंडोनेशिया, फिर ब्राजील आता है, चौथे स्थान पर आता है आपका इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद फिर आता है आपका ब्राजील, पांचवा नंबर पे है आपका ब्राजील, और ब्राजील के बाद अगर हम देखें छठा नंबर, तो छठे नंबर पे आ जाता है आपका पाकिस्तान, छठे नंबर पर आ जाता है जनसंख्या के मामले में आपका पाकिस्तान, और इसके बाद अगर देखें तो बांग्लादेश, नाइजीरिया, इसके बाद जो आता है वो है आपका बांग्लादेश, 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 उसके बाद फिर आता है आपका नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया आता है, उसके बाद आता है आपका नौवां नंबर रूस, नौवां नंबर है रूस का, और दसवां नंबर है जापान का, नौवां नंबर रूस का है और दसवां नंबर है आपका जापान का। तो कुल मिला के हम देख पा रहे हैं कि ये जो देश हैं आपके 10 देश हैं, इनमें चीन है, भारत है, अमेरिका है, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान, ये जनसंख्या में बड़े देश हैं विश्व के। ठीक है मित्रों, अब देखो हम जो बात कर रहे हैं भारत के विषय में बात कर रहे हैं, तो ज्यादा बातें भारत की करनी है, ठीक है। तो देखो अब भारत के विस्तार की अगर बात करें कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, और उसके नामों की बात करें तो एक एक करके, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, और उसके बाद देखेंगे भारत का देशांतरीय, देशांतरीय विस्तार। तो देखो अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय क्या है, मैंने आपको बताया था कि ग्लोब की अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता था, अक्षांश रेखाएं। तो देखो अक्षांशीय विस्तार का मतलब है कि इंडिया किन किन दो या कितनी अक्षांश रेखाओं के मध्य पड़ता है, जैसे कोई तो ऐसा अक्षांश रेखा होगी जो यहाँ भारत को टच करती होगी और कोई ऐसी होगी जो इस बिंदु को टच करती होगी, बात क्लियर है ना, तो एक को यहां काटती होगी एक यहां काटती होगी, यही भारत का क्या है, यही भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो देखो अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो कितना है भैया, तो वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला 8 डिग्री है, 8 डिग्री कहां हुआ, तो ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट है। हालांकि अगर अंडमान निकोबार पे जाएं तो वो आपका 6 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है,
तो याद रखना ये यहां से संभाला जाता है 8 डिग्री स्थल से, तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ है। और ऐसा क्यों है तो देखो यहां समझो, अभी मैंने कहा था मैं मान लू को ये रेखा भूमध्य रेखा है, मान के आलू होती है ये तो भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा 0 होती है। और मैंने कहा था कि इनकी अगर काउंटिंग करेंगे अक्षांश रेखाओं की तो यहां से लास्ट पॉइंट तक हमको 90 काउंट कर लेना है और यहां से नीचे को 90 काउंट करना है। तो जब भारत यहां तो जाहिर सी बात है कम वाला इधर ही तो आएगा मान, इसीलिए 8 इधर आएगा और 37 उधर जाएगा। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अगला देखिए, अगला अगर हम बात करते हैं इसके देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतर रेखाएं मैंने आपको बताया था, देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते थे हम लोग, ऐसे बनाते थे, ठीक है। नहीं, दोनों ध्रुवों को जो मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हीं को तो कहते थे देशांतर रेखाएं। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने कहा भारत तो ग्लोब पर यहां है, तो एक देशांतर यहां काटती होगी मतलब ऐसे गुजरती होगी यहां से, और एक देशांतर यहां से भी तो ऐसे गुजरती होगी, तो ये इसका जो विस्तार रहेगा वो कैसा रहेगा, देशांतरी विस्तार। और देखो कंफ्यूज नहीं होना है, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये वाली 0 है, अरे ये बीच वाली रेखा ही तो 0 है ये वाली, जब ये वाली 0 है तो जाहिर सी बात है इधर 1 2 3 4 ऐसे पड़ते होंगे, तब जो रेखा पड़ती है तो यहां कम नंबर आएगा और वहां पे ज्यादा आएगा, तो इधर कितना आता है आपका, तो ये रहता है आपका 600 आपका ये 68 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट तक, मतलब 68वीं रेखा इधर है, 68.7वीं और 19.25वीं रेखा यहां पर है। तो ये है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, बात क्लियर है। और देखो यहीं पे मैंने बताया था आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करें तो भारत के मध्य से मैंने कहा यहां से एक रेखा गुजरती है, भारत के 5 राज्यों को काटती हुई एक रेखा गुजरती है, वो है हमारी 82.5 देशांतर रेखा। अरे जो 82.5 देशांतर रेखा है ये बिल्कुल भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और इसी रेखा से तो हमारा टाइम लिया गया है भाई, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो नैनी से होकर गुजरती है। मैंने पूरा डिटेल आपको देशांतर रेखाओं में पढ़ाया है, वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए उसको, ठीक है। तो ये वाली जो रेखा है 5 राज्यों से गुजरती है, अगर मैं पुनः रिवाइज कर रहा हूँ कि वो राज्य कौन कौन से है, तो क्रम से सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद पड़ता है आपका क्रम में उड़ीसा पड़ेगा, और उड़ीसा के बाद फिर पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश, फिर पड़ेगा आपका क्रम में आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा जो 82.5 देशांतर रेखा है वो भारत के मध्य से ऊपर गुजरती है, और इसी से भारतीय मानक समय निर्धारित होता है, जो 5 राज्य क्रम से है ये सभी, ठीक है, इस क्रम में लिखे हुए हैं ऊपर से नीचे के क्रम में, बात क्लियर हो गई। अगला अगर हम बात करते हैं कि देशांतर रेखा भी होगी कोई ऐसी, ठीक वो सॉरी कोई अक्षांश रेखा भी होगी जो इससे इसके मध्य से गुजरती होगी, अब देशांतर थी इसलिए तो ऐसे गुजरी, ठीक है, अक्षांश होगी तो ऐसे गुजरेगी, तो मान लीजिए यही है ऐसे मान के चलो, ठीक है, नहीं या इससे थोड़ा सा नीचे हम मान के चलेंगे, तो ये वाली जो रेखा है इस तरह से गुजरती है वो कौन सी है भाई, वो कौन सी है, तो वो है 23.5 उत्तरी, अरे यही तो थी 23.5 उत्तरी अक्षांशीय जो रेखा है, अक्षांशीय रेखा, और इसे ही कहते हैं हम लोग कर्क रेखा, क्या बोलते हैं इसको, इस रेखा को ही बोलते हैं कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है तो सभी जानते हैं 8 राज्यों से गुजरती है, और अगर हम देखें कि भाई 8 राज्य कौन कौन से हैं तो क्रम से देखिए सबसे पहले आ जाता है गुजरात, कौन सा है गुजरात आ जाता है पहले नंबर पे, दूसरा आ जाता है क्रम में राजस्थान दूसरा है, राजस्थान के बाद तीसरा कौन सा है भाई, तीसरा आ जाएगा क्रम में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, कौन सा आ जाएगा तो क्रम में आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा क्रम में, ठीक है ना, कौन सा है भाई तो अगला आ जाएगा छत्तीसगढ़, नहीं एक रह गया भाई है छत्तीसगढ़ से पहले मध्य प्रदेश तो रह गया, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है इसमें छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, फिर आएगा आपका पांचवा कौन सा रहेगा, झारखंड, क्रम में आ जाएगा पांचवा झारखंड, और झारखंड के बाद आगे को निकलेगी ये रेखा तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल को क्रॉस जैसे ही करेगा तो आ जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा आ जाएगा, और त्रिपुरा के बाद जैसे ही त्रिपुरा क्रॉस होगा मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। तो ये कुल मिला के आप लोग देख पा रहे हैं 8 राज्य हैं, ये भी इस क्रम में है, ये इस क्रम में है, मतलब यहां से शुरू होते हैं इधर के लिए, ठीक है ना। तो ये 8 राज्यों से गुजरती थी, तो ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार था भारत का, ठीक है। इसके बाद देखो इसकी लंबाई चौड़ाई, इसके जो बिंदु हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आप लोग देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदुओं की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पूर्व में देख लीजिएगा, पूर्व में ये जो बिंदु है देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम है भैया किवीथू। इसका क्या नाम है, तो इस बिंदु का नाम है किवीथू। ये इसका पूर्वी बिंदु है, और इसको या करके एक और नाम दिया गया है बालांकू। इसको किवीथू या बालांकू नामों से जाना जाता है, जो कहां पड़ता है आपका, तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये है भारत का पूर्वी अंतिम बिंदु, भारत का पूर्वी अंतिम बिंदु। अब आ जाइए अगला पश्चिमी, तो पश्चिमी देखिए, पश्चिमी जो बिंदु है इसका नाम देखिए, तो इसका नाम है गौर माता, गौर माता है ये, या इसका नाम सरक्रीक है, सरक्रीक, या एक और इसका नाम है, ठीक है नहीं। और जो अंतिम नाम है इसका वो है गुहार मोती, भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, इसका एक और नाम है गुहार मोती, ठीक है ना। ये पश्चिमी है, ये कौन सा अंतिम बिंदु है मित्रों, ये है आपका पश्चिमी अंतिम बिंदु गुहार मोती, ठीक है। कहां पड़ता है, तो राज्य दिखाई दे रहा है आप लोगों को, गुजरात है, गुजरात में है पश्चिमी बिंदु भारत का। अगला उत्तरी की बात करें, तो देख पा रहे होंगे लाल सा जो बिंदु बन रहा है, ये है आपका इंदिरा कौल। इंदिरा कौल पहले कश्मीर में होता था, अब ये होता है भैया लद्दाख में। ये अब कहां होता है, तो ये लद्दाख में है। और अब देखो दक्षिणी की जब हम बात करेंगे, तो दक्षिणी दो तरह से, अगर केवल दक्षिणी पूछा जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका ये अंडमान निकोबार है, ये क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये वाला है आपका लक्षद्वीप, ये क्या है आपका, ये लक्षद्वीप है, और नीचे ये है आपकी श्रीलंका, ये है आपकी श्रीलंका, ठीक है। एक और बात देखो, अब इसमें मैंने कहा कि अंतिम बिंदु, तो अंतिम बिंदु पूछेगा कि दक्षिण का अंतिम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिण का जो अंतिम बिंदु है ये दक्षिण का जो अंतिम बिंदु है वो है आपका अंडमान निकोबार में स्थित है ये वाला, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और देखो इसके कई नाम हैं, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट के अलावा इसको राजीव पॉइंट भी कह देते हैं, राजीव पॉइंट। इसके अलावा इसका पुराना नाम है पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कह दिया जाता है। इसके अलावा मित्रों एक और नाम है, वो है ला हिंचिंग, इसको एक और नाम दिया गया है ला हिंचिंग, ठीक है ना। तो इतने नामों से जाना जाता है। हाँ, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो आप देख पा रहे हैं इंदिरा पॉइंट, राजीव पॉइंट, या पिग्मेलियन पॉइंट, या ला हिंचिंग, इन नामों से जाना जाता है जो अंडमान निकोबार पे स्थित है। बात क्लियर हो गई, दिख रहा होगा वहां तक। अगला देखिए, अब बात करें अगर ये वाला पॉइंट क्या है फिर, तो देखो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं अंतिम स्थलीय, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अंतिम स्थलीय, या ये कह सकते हैं कि स्थलीय दक्षिणी बिंदु, दक्षिण की दिशा में जो स्थलीय अंतिम बिंदु है भारत का, तो भारत का अंतिम स्थलीय बिंदु दक्षिण दिशा में कौन सा है, तो ये बिंदु का नाम है आपका
कैप मोरिन, कैप मोरिन नाम है जो कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है कन्याकुमारी। कहां पड़ता है ये, पड़ता है आपका कन्याकुमारी में, जो तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से दक्षिण में दो बिंदु हैं, याद रखना। केवल दक्षिण पूछा जाए तो आप इनको बताएंगे, स्थलीय दक्षिणी पूछा जाए तब आप इसको बताएंगे। तो ये भारत के अंतिम बिंदु हुए। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई के लिए कितनी लंबाई चौड़ाई है और क्या आकृति है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं लंबाई चौड़ाई की। तो आप लोग देख रहे हैं ये वाली स्थिति चौड़ाई है, मतलब भारत की जो चौड़ाई है वो कहाँ है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम इसकी ये चौड़ाई है, ठीक है नहीं। तो जो इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है वो है आपकी 2933 किलोमीटर, ये तो हुई इसकी चौड़ाई। अब हम लंबाई की बात करें तो ये उत्तर दक्षिण भारत की लंबाई है, और लंबाई कितनी है तो ये है आपकी 32 14 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है। और फिर इसका जो कुल क्षेत्रफल हो जाता है, भारत का कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल हो जाता है 32 87 263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल हो जाता है। और आकृति आप लोग देख पा रहे हैं, जब लंबाई चौड़ाई इस अनुपात में है तो ये जो भारत का स्ट्रक्चर है, ये जो भारत की आकृति है, यहां देखिए आप लोग, अगर भारत की आकृति की बात करें तो भारत की जो आकृति है वो हम कहेंगे चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय कैसी है भारत की आकृति, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय प्रायद्वीपी। ये चतुष्कोणीय प्रायद्वीप है, ठीक है नहीं। प्रायद्वीप आप लोग समझते हैं कि ऐसा स्थान जिसके तीन ओर पानी हो प्रायद्वीप कहलाता है। देखो इसके तीन ओर पानी है कि नहीं है, देखो सबसे पहले ये वाला जो साइट है यहाँ पे है आपका जल, बंगाल की खाड़ी, जो एक सागर है बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे ये जो जल है वो बंगाल की खाड़ी का जल है इस तरफ, ठीक है ना। अगर हम इस तरफ की बात करें तो इधर है आपका अरब सागर, अरब सागर जो है वो इसके पश्चिम की तरफ है। और अगर हम नीचे की ओर बात करें तो मित्रों यहाँ पे है हिंद महासागर। क्या है, यहाँ हिंद महासागर इसके बिल्कुल नीचे बहता है। और मैंने बताया था एकमात्र महासागर है जिसका नाम देश के नाम पर पड़ा है, वो भी भारत के नाम पर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इसकी क्या है, अलग अलग जलराशियां, तीन ओर से ये जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया कि ये एक प्रायद्वीप है, ठीक है ना। अब देखो इसकी अगर हम सीमाओं की बात करें कि कितनी सीमा है, कहां कहां किससे घिरती है, तो आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं पूरी ऑल ओवर सीमा की, तो हम इसकी सीमा क्षेत्र को दो तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसकी कुल सीमा, भारत की जो कुल सीमा है अगर हम उसकी बात करें, ठीक है मित्रों, तो भारत की जो कुल सीमा है वो है 22,716, कितनी है तो ये है आपकी 22,716.6 किलोमीटर, मतलब ये पूरी हम देखें, और इसमें द्वीप भी सम्मिलित है, द्वीपों सहित है ये, इतनी ये कुल है। अब इस सीमा को अगर हम चाहें तो दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक हम पढ़ेंगे इसमें स्थलीय, एक स्थलीय और एक जलीय, एक स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा, ठीक है ना। तो देखो स्थलीय और जलीय दोनों को देख लेते हैं। स्थलीय वाली अगर हम सीमा की बात करते हैं तो हम कहेंगे जो स्थल जाहिर सी बात है कि देशों से टकराता होगा, तो जब भी हम स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो वो कितनी रहती है भैया, स्थलीय सीमा आपकी है भारत की 15,200, कितनी है 15,200 किलोमीटर है स्थलीय, मतलब जैसे यहां से जल शुरू है तो ये तो सब जल वाली है यहां से यहां तक। इसके अलावा यहां से ये वाली जो सीमा है, ये वाली जो किसी देशों से टकराती है वो स्थलीय वाली है, और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। और जलीय सीमा की बात करें तो देखो जलीय सीमा अगर हम देखें तो कुल है 75,716.6 किलोमीटर, ठीक है नहीं, 75,000
16.6 किलोमीटर, ये है इसकी जलीय सीमा। और जलीय सीमा को भी आप दो तरह से देख सकते हो। ये जो सीमा मैंने बताई जलीय सीमा, या तो आप ऐसे देख लो या फिर देखो इसको ऐसे भी पढ़ लो, ज्यादा ठीक रहेगा। जलीय सीमा को दो पार्ट में तोड़ लो, एक तो देख लो द्वीपों के बिना, एक द्वीपों सहित और एक द्वीपों के बिना, या केवल ये वाली जो प्रायद्वीपी तट है, ठीक है। नहीं क्या है जो प्रायद्वीपी तट है, प्रायद्वीपी तट, तो प्रायद्वीपी तट कितना रहेगा आपका और द्वीपों सहित कितनी, तो द्वीपों सहित मैंने अभी बताई थी 7516, ठीक है नहीं, मतलब 7516.6 किलोमीटर, ये तो द्वीपों सहित है। और अगर इसकी बात करें कि बिना द्वीपों के कितनी है, तो सभी जानते हैं बिना द्वीपों के है आपकी 6100, कितनी है भैया बिना द्वीपों के 6100 किलोमीटर है आपकी, ये बिना द्वीपों के 6100 किलोमीटर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये है भारत की कुल सीमा। और अगर हम राज्यों की बात करें कि किस किस राज्य के साथ ये सीमा मिलती है, तो आप लोग जानते हैं कि ये वाली जो सीमा है स्थलीय सीमा, अगर इसको हम तोड़ के देखें तो 7 राज्यों के साथ मिलती है, ठीक है। वे कौन कौन से, वो सॉरी राज्य नहीं देशों के साथ, 7 देशों के साथ मिलती है। तो देखिए ये तो जली वाली थी, तो इसको तो आप समझ ही गए। स्थल वाली को अब मैं बता देता हूं आपको कि ये किन किन के साथ मिलती है। स्थल वाली कितनी थी भैया, वो थी आपकी 15200 किलोमीटर, ये थी। किस किस के साथ मिलती है देखो, सबसे पहले नंबर आता है बांग्लादेश का, सबसे पहले बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है 4096 किलोमीटर, ये सब किलोमीटर में ही है, ठीक है याद रखो। दूसरा नंबर आता है चीन का, और चीन के साथ जो रहती है आपकी वो रहती है 3488 चीन के साथ है, 3488 किलोमीटर। तीसरा नंबर जो आता है इसमें वो आता है आपका पाकिस्तान का, तीसरा नंबर पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान के साथ मिलती है इसमें सीमा रेखा, वो है आपके 3323 किलोमीटर। उसके बाद नंबर आता है आपका, चौथा नंबर आता है और वो आएगा क्रम में नेपाल का, नेपाल चौथे नंबर पर आता है, और नेपाल के साथ जो सीमा रेखा मिलती है 1751 किलोमीटर जो सीमा रेखा है नेपाल के साथ है। पांचवा नंबर है क्रम में भूटान का, और भूटान के साथ रहती है भूटान के साथ रहेगी आपकी, नहीं पहले भूटान नहीं 699 की, भूटान की तो 699 है, म्यांमार आएगा पहले, म्यांमार, तो म्यांमार की रहती है 1643 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका छठा नंबर है भूटान का, और भूटान की जो सीमा रेखा है इंडिया के साथ 699 किलोमीटर है। उसके बाद सातवां आता है क्रम में, वो रह गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो है 106 किलोमीटर। तो ये कुल मिला के 7 देशों की सीमा ये वाली है जो स्थलीय सीमा है वो इनके साथ मिलती है, ठीक है। नहीं थोड़ा बहुत ये 19-20 भी हो सकती है कहीं कहीं पर, आप लोग परेशान ना हो जाएं, ठीक है। तो ये तो सीमा रेखा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर हम भारत के विषय में अन्य बातें करें, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके नाम, हम भारत के नाम और देख लेते हैं कि भारत के जो नाम है वो क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि कई बार नाम से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए भारत के नामों की बात करें तो आप लोगों ने लगभग 3 या किसी ने 4 नाम पढ़े ही होंगे, ठीक है। पर मैं आपको बता देता हूं कि भारत के नामों में देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसको पौराणिक कथाओं में, ये भारत के नामों की बात कर रहा हूं, भारत के नाम, ठीक है ना, क्या क्या है। तो पहले देखो पौराणिक कथाओं में, जो प्राचीन पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथाओं में इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है जम्बूद्वीप, क्या दिया गया है जम्बूद्वीप, ठीक है ना, जम्बूद्वीप दिया गया है। अरे भाई कई एक बार आप लोगों ने संकल्प किया होगा तो पंडित जी बोलते होंगे जम्बूद्वीप है भारत खंडे आर्यावर्ते, ठीक है नहीं, इस तरह से। तो
वो जम्बूद्वीप जो है वो भारत का ही नाम है। और देखो महाद्वीप की बात करें तो कोई एक जगह एशिया का नाम भी आपको जम्बूद्वीप मिल जाएगा, तो परेशान ना हो, ठीक है? नहीं, पौराणिक कथाओं में भारत को भी जम्बूद्वीप कहा गया। अगला देखिए, अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा जो इसका नाम है वो है, आप लोग जानते हैं, आर्यावर्त, और वो आर्यों से आया है। आर्य जब भारत में आए थे, आर्यों का निवास स्थान, आर्यों से जो नाम मिला वो मिला इसको आर्यावर्त, आर्यावर्त, ठीक है। इसके बाद जो इसका तीसरा नाम रहता है भारत, वो मिला राजा भरत, जो भरत राजा थे, दुष्यंत के पुत्र थे ये। आपने कहानी पढ़ी होगी शकुंतला दुष्यंत की कहानी, ये तो कालिदास की किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम, वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो राजा भरत के नाम पर इसका नाम पड़ गया भारत। और चौथा जो नाम है इसका हिंदुस्तान। अच्छा, इसके विषय में ये ईरानियों द्वारा दिया गया है, हिंदुस्तान जो नाम है हम ये कहेंगे कि ईरानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा। और देखो ये जो ईरानी है ना, इनको ही पारसी, फारस, ठीक है, नहीं पर्सिया, ये सब ईरानी तो है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा पारसियों द्वारा, फारसियों द्वारा, पर्सियों द्वारा, ठीक है नहीं, या ईरानियों द्वारा जो नाम दिया गया है वो है हिंदुस्तान। इसका कारण है सिंधु नदी। हिंदुस्तान जो नाम है वो सिंधु नदी से निकला है, क्योंकि ये लोग हा सा को हा बोलते थे, इसलिए ये लोग क्या करते थे कि जो सिंधु नदी है उसको हिंदू नदी कहते थे, और हिंदू नदी के किनारे रहने वालों को इन्होंने हिंदुस्तान कहा, ठीक है ना। अगला जो इसका पांचवा नाम रह गया वो है आपका इंडिया। इंडिया पांचवा नाम है इसका, और आप लोग जानते हैं कि ये अंग्रेजों द्वारा दिया गया है। और अगर हम शब्द की बात करें कि ये नाम किस शब्द से आया है, तो ये ग्रीक शब्द है, इसके लिए इंडस या इंडोस, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका नाम है इंडस या इंडोस, इससे निकल कर आया है आपका इंडिया, ठीक है मित्रों। तो ये आपके नाम थे इसमें। अच्छा, इसके अलावा देखो अभी इसमें बहुत सारे और पॉइंट रह गए हैं, ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब बाकी की बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्वीपों के विषय में, कितना डिग्री चैनल है, और इसमें भारत के कौन कौन से देश पड़ोसी हैं, और उन पड़ोसियों की जो सीमा मिलती है वो किन किन राज्यों के साथ मिलती है, कितने राज्यों से मिलती है, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं पिछले वाले, वो वीडियो देख लें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है मित्रों। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो पढ़ाओ, लाइव बनाओ, HPGS जॉन।